सबसे ज्यादा डिसेंट रिमोट कंट्रोल कार की पावरफुल लिथियम बैटरी। तो आज की वीडियो के अंदर नॉर्मल कारों के अंदर ये वाली बैटरी डाल के चलाएंगे दोस्तों, क्या कार चलेगी या बास्ट हो जाएंगी भाई साहब। अरे ऑफ रोडिंग भी बहुत ही आराम से कर रही है जीप, यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होगी, ड्रिफ्टिंग कर रही है भाई ये। वीडियो के अंदर मैं दो कमाल के कार लेके आया, सबसे पहले मेरे पास है मिलिट्री थार, सेकंड है मेरे पास यूनिवर्सल आने वाली कार जो कि मिलिट्री है। दोनों के बीच में रेस और फाइट करेंगे, इसमें कुछ नई मॉडिफिकेशन भी करा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बने रहे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर भाई। आखिर ये कार कैसा चलती बोल के देखो, ये पूरी तरीके से मिलिट्री की जीप है। मैं और एक जीप भी लेके आया, इसको फाइट कराने के वास्ते मैं दो कार लेके आया भाई। सबसे पहले मिलिट्री की एक कार है मेरे पास और एक नॉर्मल कार है, ये थार के जैसी आई भाई, और ये है मिलिट्री की जीप। दोनों के बीच फाइट करेंगे और रेस करेंगे, दोनों भी काफी ज्यादा भयंकर दिख रहे भाई। मिलिट्री कार के अंदर अपन ये वाली बैटरी आज मॉडिफाई करें, सबसे पहले इसको बोलते हैं अपन लिथियम पॉलीमर बैटरी जो कि 11.5 वोल्ट 2200 mAh ट्रैक्सस के कारों के अंदर सेम बैटरी लगती है। बैटरी में क्या करा बोले तो ये कार के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया भाई, सिंपल सा प्रोसेस था। नीचे से बात करें तो भाई सबसे पहले इधर मैग्नम व्हील्स के पहिए लगे हुए, मैग्नम व्हील्स की चैसी आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ी हुई है, और ये रहे भाई मैग्नम व्हील्स। आज इसके साथ में ना मैग्नम व्हील्स के कर्तव्य भी बताने वाला हूं। नॉर्मल बैटरी के साथ कर्तव्य आपको नहीं देखे जा सकते, लेकिन लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ आपको मस्त ड्रिफ्टिंग भी मिलेगी। बस ये मैग्नम व्हील्स ना घूमते रहेंगे रेत के अंदर भाई, यहाँ पर काफी ज्यादा मट्टी लगी हुई है और ये अलग से निकल जाता है दोस्तों की रिमूवल है भाई साहब, इसको साइड में रख देंगे। सबसे पहले की बात करें तो भाई ये टूट फूट गई है क्योंकि इसको मैं चलाया था बहुत ही रफ एंड टफ, यहाँ से भी इसकी सीट टूट चुकी है, यहाँ से भी टूट चुकी है। सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर इंडिविजुअल घूमने वाली यूनिवर्सल व्हील्स है। बात करें तो भाई इसके अंदर शॉक अब्जर्स है, क्या करने वाला हूँ ये बैटरी को इसके अंदर बिठाने वाला हूँ। इसको बोलते 3S 11.1 वोल्ट बैटरी, सिंपल सा कनेक्टर भी जुड़ा दिया मैंने, यहाँ पर देख सकते हो ये प्लस माइनस का कनेक्टर है। ये थार है गाइस, ये है तोप की मारने वाली गाड़ी। तो चलो दोस्तों ऑन ट्रैक पे भाई साहब, मिलिट्री थार को चलाएंगे भाई, कैसा चलती है थार भाई साहब। सबसे पहले अपनी डिसेंट जीप को निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से चलती है, लाइक आप समझो मक्खन के जैसा इसकी मोटर काम करती है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ मोटर है यार इसकी, आपकी आवाज से ही सुन रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा डिसेंट चलती है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कार है यार ये। इसकी बॉडी की वेट बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन मोटर के अंदर काफी ज्यादा टॉर्क है। यहाँ पर देखो काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ट्रैक्स में बना के रखा था, ये ट्रैक्स के ऊपर से भी आराम से चढ़ के जा रही है, इसका मतलब इसकी मोटर के अंदर काफी ज्यादा टॉर्क है। और एक एक ट्रैक बनाया दोस्तों, मैं ट्रैक के पास इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा पत्तियां रखे हुए यानी कि झाड़ा रखे हुए, झाड़ों के ऊपर से कुचल के चल रही है। और ये मैकेनिज्म यूज कर रही है, टॉर्क मैकेनिज्म यूज कर रही है यार ये फर्स्ट टाइम रॉक रोलर भाई साहब, ये तो टॉर्क मैकेनिज्म यूज करके चल रही है, लिटरली मेरे होश उड़ चुके हैं दोस्तों। ये तो क्लाइंबिंग भी बहुत ही आराम से कर सकती है, टॉर्क मैकेनिज्म यूज कर रही है। बेसिकली डिपेंड होता है उसकी मोटर की टॉर्क के ऊपर और बैटरी के ऊपर, बैटरी मस्त है तो आपकी कार टॉर्क पैदा करने लगेगी दोस्तों, अगर उसकी बैटरी मस्त है तो। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लाइंबिंग भी है भाई, यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा रेतीली मट्टी भी डाल के रखा, ट्रैक्स भी बना के रखा, देखो अपने ट्रैक्स के ऊपर से गिरते गिरते टॉर्क पैदा कर रही है दोस्तों। नॉर्मल कारों के अंदर टॉर्क नाम की चीज नहीं होती दोस्तों, अगर मैं इसको मॉडिफाई नहीं करता तो इसके अंदर टॉर्क पैदा नहीं होता था, जबकि मैं इसको मॉडिफाई करा बल्कि इसके अंदर इतना ज्यादा टॉर्क आया ना दोस्तों, पूछो नो को, इसकी मोटर तो रोटेट हो रही है भाई। तो आज की वीडियो के अंदर इसके अंदर मैं बैटरी डालने वाला हूँ, ये है मिलिट्री की कार जो की तोप की गोली बोलते अपन, इसके अंदर मैं लिथियम पॉलीमर बैटरी इंक्लूडेड कर दिया। प्रूफ के वास्ते एक बार बैटरी भी देख लो यार, मैं ऑटोमेटिक बैटरी भी निकाल के बताता हूँ। ये देखो लिथियम पॉलीमर बैटरी है जो कि 11.1 वोल्ट है भाई। आधी जीप तो अपनी टूट चुकी है दोस्तों क्योंकि ये ड्रिफ्टिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रही थी भाई। ओह माय गॉड, क्या ड्रिफ्ट मार रही है यार बैटरी चेंज करने के बाद, क्या मस्त दिख रही है भाई अपनी जीप तो, एकदम फाड़ू दिख रही है भाई लिटरली। वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार बोले तो अपनी है दोस्तों, क्योंकि अपन इसको 4 बार 5 बार मॉडिफाई करें, सबसे पहले बैटरी चेंज करने के बाद तो ये ड्रिफ्ट मार रही है यार, यहाँ पर देखो ड्रिफ्टिंग कार बन चुकी है यार। मैं तो समझा था कि ये बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड चलेगी, लेकिन ये तो सुप्रा बन चुकी है दोस्तों, सुप्रा भी इसके सामने बेकार है यार। ये देखो कितना हाई स्पीड ये ड्रिफ्ट मार रही है। अब ये कार मेरे से मांग रही है भाई मेरे को एक बार ऑफ रोड में चलाओ, रेतीली मट्टी के अंदर चलाओ। ओ भाई साहब कैमरे को मार के वापिस ऑफ रोड में, देखो भाई ये तो झंडे गाड़ रही है यार, देखो ट्रैक्सस के कार भी फेल है इसके सामने। ओ भाई साहब कितना ज्यादा ये मट्टी उड़ा रही है यार, यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा आवाज भी आ रही है, यहाँ पर काफी ज्यादा मट्टी है। ओ माय गॉड भाई कितना ज्यादा मट्टी उड़ा रही है भाई, देखो। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैं खुद बोला था इसके व्हील्स यूनिवर्सल आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले, नॉर्मल बैटरी से तो नहीं करेंगे लेकिन लिथियम पॉलीमर बैटरी से आपके होश क्या आपके दुनिया उड़ा देगी। यहाँ पर देखो भाई साहब काफी ज्यादा रोला मचा रही यार, मट्टी भी काफी ज्यादा उड़ा रही यार। अब ये कार वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कार हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी इंक्लूडेड कर दिया, इसका मतलब इसका मदरबोर्ड भी नहीं जलेगा क्योंकि ये मट्टी उड़ा रही है, तो समझना इसकी ताकत 10 गुना एक्स्ट्रा हो चुकी है दोस्तों। ओ माय
गॉड यार क्या चल रही है यार ये, चलो ऑन रोड पे लेके देंगे। ओ माय गॉड ये तो ड्रिफ्ट मार रही यार, क्या तो भी गाड़ी यार, यहाँ पर देख सकते हो। मैं समझा था कि हाई स्पीड हो जाएंगी लेकिन ये तो सुप्रा बन चुकी है दोस्तों, वो भी MK4 भाई साहब। ओ माय गॉड यार ये जी मेरे सुप्रा है, आप नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों। ओ माय गॉड, कोई भी यूट्यूब पे पहली बार में ऐसा करा दोस्तों जो कि लिथियम पॉलीमर बैटरी डाला एक छोटी सी कार के अंदर, वर्ल्ड चीपेस्ट कार के अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी है जिसके अंदर दम में वो करके बताई दोस्तों, अपनी चीप कार के अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी डाल के बताओ, वो भी 2000 की। सुप्रा को पंच मार दिया जीप, ओह माय गॉड, दोनों के बीच में आमने सामने की फाइट होने वाली है। ओह माय गॉड जीप गिरा दी यार अपनी सुप्रा को, रात हो चुकी है, दोनों लड़ाई करने पे तुले हुए हैं, जीप गिरा दी अपनी दूसरी जीप को, इसका मतलब अपनी जीप जीत चुकी है दोस्तों। आज की नई विनर है अपनी स्मॉलेस्ट जीप जो कि डिफरेंट वे से चलती है, नो नॉइस नो पोल्यूशन, ओनली बेस्ट जीप है भाई ये। लेकिन लाइपो बैटरी का फुल फॉर्म क्या है बोले तो लिथियम पॉलीमर बैटरी है, ये बैटरी को अपन अक्सर ड्रोनों के अंदर डालते हैं और ड्रोनों के अंदर फ्लाई करते हैं। ये रही भाई बैटरी, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, ये रही भाई वो बैटरी जो कि अपन ड्रोन्स के अंदर डालते हैं। बच्चे तो इसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ना, चाहे प्रोफेशनल पकड़ना, अगर बड़े भी हो तो ये बैटरी को मत पकड़ना, अगर आप प्रोफेशनल है तो इस पकड़ना। अब ये बैटरी का मकसद क्या रहता है, सबसे पहले अपने ड्रोन को फ्लाई करने का मकसद रहता है। इसके अंदर मोस्ट पावरफुल बैटरी इंक्लूडेड रहती है जो कि लिथियम बोलते हैं, लिथियम एक चाइना से इंपोर्ट किया हुआ माल रहता है जो कि बैटरी के अंदर इंक्लूडेड करने के बाद इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी करंट दौड़ने लगता है भाई साहब, ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है लिथियम पॉलीमर बैटरी। ना कि लाइपो बैटरी डाल रहा हूं यार, ये बैटरी डाल रहा हूं, वो बैटरी डाल रहा हूं, बल्कि आपको खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है गाइस, लेकिन आपको समझाने का परसेंटेज जीरो है। नॉर्मल कारों के अंदर जो बैटरी आती है देखो लायन सेट, उनके अंदर नंबर्स कम रहते हैं पावर सप्लाई करने के, लेकिन इस बैटरी के अंदर काफी ज्यादा पावर्स रहते हैं। लेयर्स, इसके अंदर लिथियम की एक लेयर रहती है, सेकंड होता है उसके अंदर कार्बन, और थर्ड होता है उसका पेपर कॉपर, हाँ कॉपर रहता है भाई इसके अंदर। तीन लेयर मिलके इस बैटरी को लिथियम पॉलीमर बनाती है भाई साहब। पर्पस था अपना ड्रोन फ्लाई करने का, लेकिन अपन आरसी कार्स में डाल रहे हैं, आजकल के ट्रैक्सस के कारों के अंदर भी बड़े बड़े बैटरीज लग रहे, क्यों लगा रहे, वो लगा उसके अंदर लगा रहे ब्रशलेस BLDC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर्स। ब्रशलेस मोटर्स को काफी ज्यादा हाई पावर होना होता है, लाइक 12 वोल्ट वो जनरेट करता है और 12 वोल्ट वो खींचता है, बहुत सारा ACs लगाना पड़ता है अपन को, ACs अपग्रेड करना पड़ता है। क्यों अपग्रेड करना पड़ता है भाई, अब बैटरी का एम्पियर चेंज कर रहे हो तो आपको ये सीस भी चेंज करना होता है ट्रैक्सस के कारों का। ओके गाइस, लाइक बहुत सारे एसीस आते हैं दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर्स के, या ब्रश के भी आते हैं, ब्रशलेस मोटर्स के भी एसीस आते हैं। इतना मालूम लिथियम पॉलीमर बैटरी इज द मोस्ट किलर और मोस्ट डेंजरस फॉर आरसी कार्स, कि एक बार ये लगाने से आपकी कार 100 माइल पर आवर के ऊपर भागेगी दोस्तों, 100 माइल पर आवर के ऊपर भागेगी भाई आपकी आरसी कार। लगता है आपकी आरसी कार को स्पीड भगाना है, अपनी आरसी कार को इंक्रीजिंग करना है, ये बैटरी डाल लो यार, सिंपल सा फंडा है बस, एक ही रूल, ये बैटरी डालने से आपकी कार तूफान बन जाती है दोस्तों। लेकिन बैटरी लगाने का भी एक ट्रिक रहता है, मैं आपको समझाता हूँ। समझो मेरे पास ऐसी वाली नॉर्मल सी डब्बा कार है और डब्बा कार के अंदर मेरे को लगाना है लिथियम पॉलीमर बैटरी भाई साहब, लेकिन लगाऊंगा कैसे, डायरेक्ट लगाएंगे तो मदरबोर्ड बस्ट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर 10 कमेंट्स करते हो ना, अगर आप इस वीडियो के अंदर 10 लाइक्स करते हो ना, तो लिटरली ये जो लाइपो बैटरी है ना, इसका मैं आपको कनेक्शंस भी समझाऊंगा और अपनी ये डब्बे कारों के अंदर आप कैसा लगा सकते हो, जो कि नॉर्मल रिमोट कंट्रोल्स कार आते रहे को 600-700 रुपए के अंदर भी ये वाली आप बैटरी इंकुलेटेड कर सकते हो, बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हो भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बस इस वीडियो के अंदर 10 लाइक्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं आपको एक कनेक्शन समझाऊंगा, कनेक्शन समझाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इस वीडियो के ऊपर 10 लाइक जरूर से कर दो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डिफिकल्ट वे से नहीं बहुत ही इजी वे से डब्बा कार के अंदर अपन तूफान को कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं भाई, ये तूफान है यार लिटरली, आपने देखा होगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बाय बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत, बाय बाय।